वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। डॉक्टर ने बताया कि फिजा प्रेग्नेंट है और कुछ मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की। फिजा और उसके हस्बैंड सरफराज ने कहा कि वो ये बच्चा नहीं चाहते। डॉक्टर ने हैरत का इजहार किया और मदद करने से इनकार कर दिया। उसने धमकी दी कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करेगी। सरफराज को घर से उसकी फादर का फोन आया जो उनकी देर तक वापस न आने की फिक्र कर रहा था। दूसरी तरफ दुआ अपनी पुरानी दोस्त रीदा से मिली। रीदा ने दुआ के पैसे और गुज़िश्ता वक्त पर ताना मारा। दोनों के दरमियान गरम मुकालमा हुआ। फिजा क्लिनिक से वापस आने के बाद रोती रही। सरफराज ने कहा कि वो अभी बच्चा नहीं चाहते। उसके वालिदैन इस फैसले पर हैरान और नाराज हुए। सरफराज और उसके वालिद के दरमियान कॉन्फ्रंटेशन हुई जो सरफराज के घर से निकालने पर खत्म हुई। सरफराज की माँ उसके जाने के बाद फिकर और परेशान थी। कुछ देर बाद सरफराज वापस आया मगर तनाव बरकरार रहा। नुशेरवान ने दुआ को तसल्ली दी और कहा कि वो अपने वालिद बाबा साईं को मिलने जा रहा है जो बीमार हैं। दुआ ने साथ चलने की दरख्वास्त की मगर नुशेरवान ने मना कर दिया। उसने दुआ को अपना ख्याल रखने और सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस दी। ऑफिस में एम्प्लॉयज बॉस और उसकी शादी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। रूमी ने दुआ को कॉल की और जुनायरा के इरादों पर फिकर का इजहार किया। उसने दुआ को वार्न किया कि जुनायरा उसकी जिंदगी में खराबी दलने की प्लानिंग कर रही है। एक फ्लैशबैक से पता चला कि जुनायरा ने कुछ दिन पहले दुआ से कांटेक्ट किया था और उसकी लाइफ डिसरप्ट करने का इशारा दिया था। सरफराज का खानदान उसके फैसले पर झगड़ा कर रहा था। सरफराज के वालिद उसे वापस नहीं लाना चाहते थे। उसकी माँ फिकार और दिल शिकस्ता थी। सरफराज की बहन ने बीच बचाव की कोशिश की। फिजा प्रेगनेंसी और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट की वजह से परेशान थी। सरफराज की माँ ने फिजा को फैमिली के मुश्किलत का जिम्मेदार ठहराया। फिजा की नंद उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। सरफराज की बहन घर में अमन बरकरार रखने की कोशिश कर रही थी। नुशेरवान ने अपनी फैमिली विजिट के लिए निकालते हुए दुआ को याद दिलाया कि अपनी हिफाजत का ख्याल रखे। दुआ का दोस्त रूमी जुनायरा के असर से बहुत फिक्रमंद थी। ऑफिस का माहौल टेंस था और बॉस की प्राइवेट लाइफ के बारे में गुफ्तगु हो रही थी। सरफराज अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट और फैमिली प्रेशर का शिकार था। फिजा अपने हस्बैंड की ख्वाहिशात और अपनी जज्बात के दरमियान फंसी हुई थी। सरफराज का घर वापस आना इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर सका। नुशेरवान ने दुआ को अपने प्यार और वफादारी का यकीन दिलाया। दुआ जुनायरा के स्कीम्स के सामने अपनी सिक्योरिटी के बारे में परेशान थी। दुआ का पास्ट उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था और वो अपनी प्रेजेंट नेविगेट करने की कोशिश कर रही थी।